बलदेव सिंह समाद भाई मनजीत सिंह चीमना पेश करदे हन साजन स्टूडियो दी भेट ज्ञानी गुरनाम सिंह बराड़ दा ढाडी प्रसंग जमराव ते कब्जा ओ प्रवानगी आखो गज के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा जी इस दुनिया अंदर युगां तो लेके एक युद्ध हुंदा आउंदा है, ओ युद्ध है नेकी ते बदी दा, पुन ते पाप दा, सच ते झूठ दा, गुरमुख ते मनमुख दा। एक ता इत्थे ओ मनुख है जिहड़ा सरबत दा भला मनदा है, ओदे दिल विच दया दा समुंदर चलदा है, ओ गरीबां नूं दुखी नहीं देख सकदा, गरीब दे मुख नूं गुरु दी गोलक समझदा है ते निर्वाण सेवा करदा है, गरीबां उत्ते खून दा कतरा कतरा ला सकदा है, ऐसे भी इत्थे वसदे ने। दूजे पासे ओ मनुख है जिहदा दिल पत्थर तो सख्त है, कोले तो काला है, पराया हक खांदा है, गरीबां दे दिल कच दे शीशे वांगू तोड़ी जांदा है, गरीबां दे खून दा ओह कतरा कतरा पी सकदा है। जिहड़े गुरमुख लोक ने भाई कन्हैये वांगू ओह समदर्शी हुंदे ने, घट घट विच वाहिगुरु नूं समाया देखदे ने, किसी भी जीव नूं दुख नहीं दिंदे, ओह जमां दीआं ठोकरां भी नहीं खांदे, उन्हां वास्ते सचखंड दे गेट सदा खुले रहिंदे ने। जिहड़े मनुख हंकारी हुंदे ने उन्हां दीआं नज़रां विच्चों नफरत दी बदबू आउंदी रहिंदी है, जीव हत्या करदे ने, भंग माछरी सुरापान करदे ने, ओह किसे नूं भी माफ नहीं करदे, पर सच्चे दरबार विच्चों भी माफ नहीं हुंदे। उत्थे तिल पीड़ै ज्यों कहानियां वाली गल है, बरनाले वालियां बीबियां तो सुनो, पापियां दे प्राण जमदूत नाड़ी नाड़ी विच्चों ते हड्डी हड्डी विच्चों कड़का कड़का के इउं करदे है।
पंजाब दी धरती ने जिथे लखां सूर वीर योधे पैदा किए उथे योध्या दे सरदार हरी सिंह नलुए नू भी पैदा किया जिहड़ा खंडे मार मार के पंजाब दे राज नू दिल्ली तक लै गया सी। हिमाचल दियां पहाड़ियां ते जम्मू कश्मीर खालसा राज दे झंडे झुलदे सी। 1,40,000 वर्ग मील दी धरती ते खालसे ने राज कीता। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने 9 अगस्त 1834 नू पेशावर विच दरबार ला के आप दे महान जरनैल हरी सिंह नलुए नू बंगारिया। उन्हें कहा खालसा जी इदू पहला भारत उत्ते कहट हमले होए ए सोने दी चिड़ी पंजाब नू बड़ा लुटिया लुटेरिया ने। पहला एक हमला अल्पतगीन ने किया, 3 हमले सुवकतगीन ने किते, 17 हमले महमूद गजनवी ने किते, 10 हमले सुहावोगीन ने किते, 25 हमले मंगोला ने किते, आखरी 5 हमले बाबर ने किते। रणजीत सिंह ने कहा कि ए सारे हमलावर काबल तो जमरौद विच नू आए, आपा खंडा चको जमरौद नू कब्जे करो, उत्थे जंगी किले तैयार करो ताकि अगे वास्ते कोई जालम हमला ना कर सके। जमरौद दे आसे पासे 20-20 को धरती पद्धर है, उत्थे खालसे दा झंडा झूले, नाले पठाना तो बदले भी लो। काबल दे पठाना ने हिंदू धर्म नू बड़ा लताड़िया, साडियां बीबियां सवा सवा रुपए नू बेचिया, तौसे ते टकोर ला के शेरे पंजाब रणजीत सिंह ने नलुए नू जमरौद ते चढ़ाई दा हुक्म इउं दित्ता। Take it.
हजार फौज पेशावर तो चढ़ाई करके जमराव दे नेड़े जा पहुंची। हरी सिंह नलुए ने जंगी मोर्चे तैयार करके काबुल दे बादशाह मुहम्मद दोस्त खां नूं आए, मुहम्मद दोस्त खां मैं तेनू दो शर्तां पेश करदा हां। पहली तां इह कि तू जमराव नूं खाली करके राजा रणजीत सिंह दी शरण तक जे मत्था जोड़ना चाहुंदा तां कफन ते कबरां दी तैयारी करके आई। नलुए दे खंडे ने तेनू माफ नहीं करना। जद मैं चढ़दा तूफान बन जाना, जद मैं खड़दा चट्टान बन जाना। राजवीर कौर भागो, गुरदीप कौर नीटू, सरंगी मास्टर रणजीत सिंह हीरा, बासी अरख वाले बराड़ दे जथे तो सुनो, हरी सिंह नलुआ काबल दे बादशाह नू खत इउं लिखदा है। Thank you.
सिंह नलुए ने जथेदार महा सिंह नू परचा दे के काबल वल तोड़ दिता। खालसा जी नलुए नू महाराजा रणजीत सिंह ने शेर दिल फौज का जरनैल क्यों बनाया सी? इक्के दा नाम तो हरी सिंह सी, इहनू दुनिया नलुआ क्यों कहिंदी सी? एक दिन शेरे पंजाब रणजीत सिंह ते हरी सिंह नलुआ घोड़ सवार किसी महाघोड़ जंगल विच दी जा रहे सी। अगे एक केरी शेर बुक उठिया, हरी सिंह ने घोड़े तो उतर के अगे होके शेर नू बंगारिया कि ऐ सिंह तू बणी दा सिंह, मैं गुरु दा सिंह, आ मुकाबला करिए। शेर ने इन्नी तेजी नाल आया कि हरी सिंह म्यान चो तलवार भी ना खिंच सकिया ते शेर आ पिया। नलुए ने आउंदे शेर दे जबाड़े फड़ के चरण दे के तौन तक पाड़ के मरोड़ के सुट दिता। एक कौतक देख के महाजा राजा रणजीत सिंह दे नेत्रां विचों बराग दे अथरू चल पे। बुक्कल विच लैके कहण लगा कि हरी सिंह सतयुग विच इक राजा नल हुंदा सी, या तो वह शेर नू पाड़दा सी या तैं पाड़िया। तू तो पंजाब दी धरती उत्ते दूजा नल जम पिया। उस दिन तो हरी सिंह नू नलवा नलुआ कहण लग पे। उस दिन तो इनू महाराजा रणजीत सिंह ने शेर दिल फौज का जरनैल बना दिता। वह शेरां नू पाड़न वाले नलुए का परचा जथेदार महा सिंह ने काबल दे बादशाह मुहम्मद दोस्त खां नू जा दिता। नलुए का परचा पढ़ के काबल का बादशाह कंब उठिया। उन्हें दरबार ला के 80,000 सेना दे मुखी चारे जरनैल बुला के नलुए की चिट्ठी फड़ा दिती। नलुए का परचा पढ़ के चारे जरनैलों के लाटा मच उठिया। जंगी तौंसिया नाल काबल की धरती गूंज उठी। काबल के पठान जंग की चढ़ाई इउं करदे ऐ। ¡Gracias!
ਸੈਨਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਟੂਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੜ ਗਏ, ਜੰਗੀ ਧੌਂਸੇ ਖੜਕ ਉੱਠੇ। 11,000 ਖਾਲਸਾ 80,000 ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਯੁੱਧ ਐ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਹੀ ਪਾਸੀ ਸੂਰਮੇ ਖਾ ਗੁੱਸਾ ਜੁੱਟੇ, ਚਲਣ ਫਹਾਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਲਖੋਪੜ ਫੁੱਟੇ। ਮਟਕੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਲ ਦੀ ਲੱਗ ਠੋਕਰ ਟੁੱਟੇ, ਡਿੱਗਣ ਪਤੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੂੰ ਡੋਰ ਨੂੰ ਖੁੱਟੇ। ਫਤਿਹ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪਠਾਣਾ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾ ਪਿਆ। ਨਲੂਏ ਦਾ 18 ਸੇਰਾ ਖੰਡਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਇਉਂ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਲੈ
नलुए दी इस जंग ने महापरलों का रूप धारण कर लिया। सारा रण खेत्र लाशां नाल भर गया। पठान हथ खड़े करके खैबर दियां पहाड़ियां विच जा लुके। 13 अगस्त 1834 नूं जमरौद दी कच्ची गढ़ी ते हरी सिंह नलुए ने केसरी झंडा जा चढ़िया। कुछ दिनों बाद नलुए ने अपने हथी इट रख के 300 मरबा गज की धरती उत्ते जमरौद दा किला उसारना शुरू कर दिता। जिदे किले की छत पैनी सी उदे एक होर पाणा बरत्या। जेड़ी बीबी हरसरन कौर सिख इतिहास विच ध्रुव तारे वांग चमकदी है, इहदा नाम सरनी देवी सी। इह जमरौद दे नेड़े पिंड खूरम दे पंडित परसराम दी पुत्री सी। इहदा कई जन्मां दा तप कीता सी। बहुत सुंदर ते बड़ी जवान सी। इहनू मापिआं ने ब्याह के डोले विच पा के विदा करता। बरात पिंड गाजी खां नू मुड़ चली। जांदी बरात नू इक काले खां ताड़वी ने 25 पठान लेके आ घेरिया। काले खां ने कल्ले कल्ले पंडित नू लुट के कहा कि पंडितो डोले वाली बीबी नू बाहर कढ़ो, इहदा सोना चांदी लुटांगे ते बीबी आप दी लै जिओ। पंडित कहिंदे काले खां जी, बीबी नंगे मूँह बाहर ना कढ़ो, इहदा सोना चांदी लै लो। काले खां हंकारी कहिंदा पंडितो थोड़िया हिंदुआं दियां धीआं 125 रुपए नू बेचियां, अजे इज्जतां भी चाहुंदे हो। काले खां ने डोले विच हथ पा के सरनी देवी नू इउं खिचिया। जंगल
ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੀ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮਹਿੰਦਰ ਤੇ ਬਿਓਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਾ ਲਾਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੂਗੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪੰਡਿਤ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਚੱਲੇ। ਪਠਾਨ ਸਰਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੇ, ਸਰਨੀ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬੜ ਬੜ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮਹਿੰਦੜ ਅੰਗਿਆਰੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਾਰ ਹਮੇਲਾ ਜਹਿਰੀ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ। ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ, ਉੱਚੀਆਂ ਭੋਜਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਹਾਂ ਇਉਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਨੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਜੇ ਥੇੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਨੀ ਗਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂਗੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜੋਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ ਮਣੀਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਾਂਦੀਆਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਵੇਂ। ਪਰ ਉਹ ਸਰਨੀ ਦੀਆਂ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਭੱਜੇ ਜਮਰੌਦ ਜਾ ਵੜੇ। ਨਲੂਆ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦੇ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੜਕੀ, ਹੋ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਦਾ ਗੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਲਾਇਆ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ 12-12 ਫੁੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚਾੜਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਓਏ ਮੇਰਾ ਬੰਕਿਆ ਸ਼ੇਰਾ, ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਈਏ। ਘੋੜਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਪਟਦਾ ਪਠਾਣਾ ਤੇ ਜਾ ਚੜਿਆ, ਨੇਤਰ ਹੋ ਗਏ ਲਾਲ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਖੰਡਾ ਵਾਹਤਾ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ, ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੇ, ਦੋ ਘੋੜੇ ਦੇ, ਚਾਰ ਟੁਕੜੇ ਖਰਕੇ ਖੰਡਾ 4 ਫੁੱਟ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਜਾ ਤਸਿਆ।